हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेक्स एंड जीन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक चाइनीज मूवी है। 2011 में ये मूवी आ चुकी है और इसके अंदर आपको कॉमेडी, ड्रामा और बहुत ही बोल्ड सीन देखने को मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा बोल्ड सीन है इस मूवी के अंदर। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इसकी रेटिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन ये मूवी सीन्स के लिए और थोड़ी बहुत कॉमेडी के लिए फेमस है। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी की स्टोरी के बारे में। तो अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, बस स्टोरी स्टोरी तो क्या ही देखना है, इसमें सीन काफ़ी अच्छे हैं। लेकिन अगर फिर भी हम बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसकी स्टोरी स्टार्ट होती है हमारे स्कॉलर मिंग डायनेस्टी के स्कॉलर विंग यांग शैंग से, जो कि चाहते हैं कि भाई लाइफ बड़ी ही छोटी है और इस छोटी सी लाइफ में जितना भी हम प्लेजर ले सकते हैं, जितना भी सेक्स कर सकते हैं, उतना ज़्यादा हम कर ले, क्योंकि क्या पता कब लाइफ ख़त्म हो जाए। और फाइनली वो एक दिन मिलते हैं एक लड़की से जिसका नाम होता है यू शिंग, जो कि डॉटर होती है टॉइस्ट प्रीस्ट की। और यू शिंग को पहली बार देखते ही पहली नज़र में ही उनसे प्यार हो जाता है और वो उसे शादी भी कर लेते हैं और दोनों मस्त से रह रहे होते हैं। उनका प्यार अच्छा है, उनकी शादी अच्छी है, लेकिन जो हमारे वी यांग शेंग है, मतलब कि हमारे मेल है, उनको उनकी पत्नी इतना अच्छे से सेटिस्फाई नहीं कर पाती है और वो अपनी पत्नी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें समझ नहीं आता है कि वो क्या करें अपनी लाइफ में, क्योंकि उनकी सिर्फ और सिर्फ एक इच्छा थी कि वो अच्छे से सेक्स कर पाए और अच्छे से अपनी ज़िंदगी बिता पाए, लेकिन वो किसी को सेटिस्फाई नहीं कर पाते ढंग से। तो बेसिकली ये एक सेक्स टाइप की पिक्चर है जिसमें काफ़ी सेक्स दिखाया है, काफ़ी इरोटिक बोल्ड सीन दिखाए हैं। और फाइनली जब उनको पता चलता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वो फाइनली इसी उम्मीद से निकल जाते हैं अपनी रिकवरी के लिए, कि कैसे वो रिकवर कर पाए और उनकी सेक्स ड्राइव और परफॉर्मेंस को बढ़ा पाए। तो कुछ इस टाइप की इस मूवी की स्टोरी होने वाली है। तो इस मूवी की स्टोरी आपको थोड़ी बी ग्रेड मूवी टाइप की लग सकती है, लेकिन थोड़ी थोड़ी कॉमेडी है और थोड़ा थोड़ा बोल्ड सीन भी है। थोड़ा तो नहीं, बोल्ड सीन काफ़ी ज़्यादा है इस मूवी के अंदर। तो अगर आप सीन्स के लिए मूवी देखना चाहते हैं तो आप ये मूवी देख सकते हैं। अगर आप स्टोरी के लिए देखना चाहते हैं तो हाँ, कुछ हद तक ये मूवी ठीक ठाक लग सकती है। कॉमेडी है लेकिन बहुत कम है। तो ओवरऑल मूवी ठीक ठाक है। कुछ अलग कुछ हट के देखना चाहते हैं तो ही इस मूवी की तरफ जाइएगा आप, और सीन्स के लिए जाना चाहते हैं तो फिर तो जाइएगा ज़रूर। बाकी IMDb में इसकी रेटिंग मात्र और मात्र 4.5 है, जो कि बहुत ज़्यादा कम हो जाती है किसी मूवी के हिसाब से। बाकी ये मूवी पहले से 70s में आई चाइनीज़ मूवी का रीमेक वर्जन है, जो कि हमें 3D में देखने को मिल जाता 2011 के अंदर। तो ये मूवी 3D में आई थी, ये एक अलग फैक्ट था इस मूवी के बारे में। बाकी आप इस मूवी में काफ़ी सीन्स देख सकते हैं, हम बता नहीं सकते क्योंकि फर्स्ट स्ट्राइक आ जाता है। तो बस मिलते हैं आपसे एक और नए एपिसोड में। ये सेशन आपको कैसे लगा ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।